देखें, एक शख्स जो यूके के अंदर जिसे टैक्स पे करना है उसके लिए टैक्स रेजिडेंट होना जरूरी है, ठीक है। अगर एक शख्स टैक्स रेजिडेंट है तो उसके अंदर रूल ये होता है कि जो यूके रेजिडेंट होता है उसे टैक्स देना होता है यूके के अंदर, लेकिन अपनी वर्ल्ड वाइड इनकम पे टैक्स देना होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक यूके रेजिडेंट है और वो यूके में भी अर्न कर रहा है, वो पाकिस्तान से भी अर्न कर रहा है, वो यूएसए से भी अर्न कर रहा है, तो वो टैक्स पे करेगा अपनी तमाम वर्ल्ड वाइड इनकम पे, लेकिन यूके वाले उससे टैक्स चार्ज करेंगे, ठीक है। और अगर एक शख्स नॉन यूके रेजिडेंट है, अगर वो यूके रेजिडेंट क्लासिफाई नहीं होता और वो एक नॉन यूके रेजिडेंट क्लासिफाई होता है, तो वो सिर्फ अपनी यूके इनकम के ऊपर टैक्स देगा यूके के अंदर। यानी कि अगर मैं फॉर एग्जांपल पाकिस्तानी रेजिडेंट हूँ और यूके में भी कुछ अर्न करता हूँ, तो मुझसे सिर्फ यूके इनकम के ऊपर टैक्स लिया जाएगा, मेरी वर्ल्ड वाइड इनकम पे टैक्स नहीं लिया जाएगा। ये रेजिडेंस की इंपॉर्टेंस है। अब ये पता कैसे चलता है कि एक शख्स यूके रेजिडेंट है या यूके रेजिडेंट नहीं है, उसके रूल हम डिस्कस करने का, ठीक है। सो अ टैक्स पेयर्स लाइबिलिटी टू इनकम टैक्स, चार्जेबल गेन टैक्स एंड इनहेरिटेंस टैक्स इज बेस्ड अपॉन देयर रेजिडेंस एंड और डोमिसाइल। डोमिसाइल हमारे टीएक्स के सिलेबस के अंदर नहीं है, तो ये हम डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ रेजिडेंस डिस्कस करेंगे। अ यूके रेजिडेंट विल बी लाइबल टू इनकम टैक्स ऑन वर्ल्ड वाइड इनकम एंड अ नॉन यूके रेजिडेंट विल बी लाइबल टू ओनली यूके इनकम। इट इज एसेंशियल देयरफॉर टू डिटरमाइन द रेजिडेंस ऑफ द टैक्स पेयर टू बी एबल टू डिटरमाइन देयर यूके टैक्स लाइबिलिटी। अच्छा, होता ही है कि अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आप क्या पाकिस्तानी रेजिडेंट हैं, तो आपको शायद ये लगेगा कि क्योंकि हम पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, हमारे पेरेंट्स पाकिस्तान में हैं, हम रहते यहाँ पर हैं, हम अर्न यहाँ पर करते हैं, तो शायद हम पाकिस्तान रेजिडेंट हैं। लेकिन रेजिडेंसी डेफिनेशन ऐसे डिस्कस नहीं होती। रेजिडेंस की एक डिफरेंट टाइप की डेफिनेशन है जिसका ज्यादातर ताल्लुक जो होता है वो इस बात से होता है कि आपने यूके में कितने डेज स्पेंड किए एक पर्टिकुलर टैक्स ईयर के अंदर। याद रहे कि जो हमारा टैक्स ईयर है वो 6 अप्रैल से स्टार्ट होता है और अगले साल 5 अप्रैल पे जाके एंड होता है, और इसके अंदर 365 डेज। अब देखा ये जाएगा कि आपने वो 365 डेज ज्यादातर कहाँ पर गुजारे। मेन क्राइटेरिया तो ये है, लेकिन इसका जो लॉजिकल क्राइटेरिया है उसके अंदर आपको 3 टेस्ट पास करने होते हैं रेजिडेंस स्टेटस चेक करने के लिए। सबसे पहले जो आपका टेस्ट होगा दैट इज कॉल्ड ऑटोमेटिक नॉन रेजिडेंस टेस्ट। यानी कि हम ये चेक करेंगे कोई शख्स ऑटोमेटिक नॉन रेजिडेंट तो नहीं है। अगर एक शख्स ऑटोमेटिक नॉन रेजिडेंस में फॉल होता है तो फिर हम उसको नॉन रेजिडेंट ही क्लासिफाई करेंगे। अगर एक शख्स ऑटोमेटिक नॉन रेजिडेंट में फॉल नहीं होता तो हम सेकंड टेस्ट में देखेंगे क्या वो ऑटोमेटिक रेजिडेंट में फॉल हो रहा है। अगर वो ऑटोमेटिक रेजिडेंट में भी फॉल नहीं होता तो फिर हम एक थर्ड रूल अप्लाई करेंगे विच इज बेस्ड ऑन सफिशेंट टाइज एंड नंबर ऑफ डेज इन अ टैक्स ईयर। तो ये 3 टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। आई विल रिपीट, पहला ऑटोमेटिक नॉन रेजिडेंस टेस्ट, देन रेजिडेंट टेस्ट, देन सफिशेंट टाई एंड नंबर ऑफ डेज की बेसिस के ऊपर उसका रेजिडेंस जज किया जाएगा। अगर एक शख्स ऑटोमेटिक नॉन रेजिडेंट में भी फॉल होता है और इत्तेफाक से ऑटोमेटिक रेजिडेंट में भी फॉल हो जाता है किसी वजह से, तो हम पहले टेस्ट की बेसिस के ऊपर उसे ऑटोमेटिक नॉन रेजिडेंट ही कहेंगे, वो रेजिडेंट नहीं बनेगा। अब नाउ लेट्स सी द फर्स्ट वन कि एक शख्स ऑटोमेटिक नॉन रेजिडेंट कब बनता है। तो इसके ये रूल लिखे हुए हैं, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3। अगर कोई भी एक क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो जाए तो दैट पर्सन विल बी नोन एज एन ऑटोमेटिक नॉन रेजिडेंट पर्सन। एग्जाम में आपको एमसीक्यूज में एक सवाल दिया जाएगा, उसमें बताया जाएगा कि एक शख्स इतने दिन यहाँ रहा, पिछले साल वहां रहा, और आपको ये बताना होगा कि वो रेजिडेंट है या नहीं। सिमिलरली एक लॉन्ग क्वेश्चन में सेक्शन सी में आपसे ये पूछा जा सकता है एक सिचुएशन में कि ये बताएं डेटा देकर कि ये बंदा रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, इसको डिस्कस करें। तो ये रूल्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। सो पहला रूल, ऑटोमेटिक नॉन रेजिडेंट।
द फॉलोइंग पर्सन विल ऑटोमेटिकली बी ट्रीटेड एज नॉन रेजिडेंट इन यूके. कब? पहला क्राइटेरिया, एनी वन इन द यूके फॉर लेस देन 16 डेज इन अ टैक्स ईयर. अगर एक शख्स एक दिन से लेकर 15 दिन तक टाइम स्पेंड करता है यूके के अंदर किसी गिवन टैक्स ईयर के अंदर, तो इसका मतलब है वो रेजिडेंट हो ही नहीं सकता. उसको हम क्या कंसिडर करेंगे? उसको हम नॉन रेजिडेंट कंसिडर करेंगे. चले जी आगे बढ़ते हैं. एक शख्स है, उसने यूके में 46 डेज से कम डेज स्पेंड किए. इसका मतलब है एक दिन से लेकर 45 दिन यानी 45 डेज तक वो यूके में रहा, लेकिन वो लास्ट 3 इयर्स में पिछले साल या पिछले पिछले साल या उससे पिछले साल टैक्स रेजिडेंट नहीं था. सही है? यानी कि पिछले सालों में वो रेजिडेंट नहीं था और इस साल उसने 45 डेज तक स्पेंड किए, तो वो भी ऑटोमेटिक नॉन रेजिडेंट की कैटेगरी में आ जाएगा. दूसरी कंडीशन, सो 15 दिन वाला या अप टू 45 डेज वाले नॉन रेजिडेंट की कैटेगरी में आ सकते हैं. तीसरी कंडीशन, अ पर्सन हु वर्क्स फुल टाइम ओवरसीज. एक बंदा है वो यूके में काम नहीं करता, वो ओवरसीज फुल टाइम काम करता है. यूके में हो सकता है पार्शियली काम कर रहा हो, लेकिन मेजॉरिटी उसका जो काम है वो फुल टाइम ओवरसीज है और वो यूके में 90 डेज से ज्यादा नहीं रहा किसी टैक्स ईयर के अंदर. तो आप डेज की बेसिस के ऊपर अगर एक शख्स 45 डेज से बियॉन्ड जाता है, 90 डेज तक जाता है, लेकिन साथ फुल टाइम ओवरसीज में भी काम कर रहा है, तो वो भी ऑटोमेटिकली नॉन रेजिडेंट में क्लासिफाई हो जाएगा. सो पहले 15 दिन वाला रूल और फिर 45 डेज वाला रूल सब्जेक्ट टू प्रीवियस ईयर कंडीशन, उसके बाद 90 डेज वाला रूल लेकिन साथ फुल टाइम ओवरसीज की कंडीशन. इन तीनों में से कोई एक क्राइटेरिया भी सेटिस्फाई अगर हो गया, सो दैट पर्सन इज नॉन एज एन ऑटोमेटिक नॉन रेजिडेंट. और फिर आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ नॉन रेजिडेंट ही क्लासिफाई होगा. लेकिन अगर ये टेस्ट पास नहीं होता तो फिर हम और फिर मूव करेंगे हम सेकंड क्राइटेरिया के ऊपर, विच सेज दैट ऑटोमेटिक रेजिडेंस टेस्ट. सेकंड क्राइटेरिया क्या कहता है? सेकंड क्राइटेरिया ये कहता है कि अगर आपको एक शख्स को ऑटोमेटिक रेजिडेंट बनाना है तो उसके लिए एक कंडीशन क्या हो सकती है, एनी पर्सन इन द यूके और एटलीस्ट 183 डेज इन द टैक्स ईयर, यानी कि आधे साल से ज्यादा. 365 डेज का हाफ होता है 182.5. तो अगर एक शख्स यूके में 183 डेज साल के गुजार लेता है तो आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक रेजिडेंट कंसिडर किया जाएगा और उसे अपनी वर्ल्ड वाइड इनकम पे टैक्स यूके में देना पड़ेगा. सही है? चलें डेज का क्राइटेरिया छोड़ देते हैं. अगर एक शख्स का घर, ओनली होम इज इन यूके, अगर एक शख्स का घर, अपना घर यूके में है, सही है, और कहीं दुनिया में घर नहीं है, तो वो भी ऑटोमेटिकली यूके रेजिडेंट कंसिडर किया जाएगा. अगर उसका घर यूके में भी है, यूएस में भी है, तो फिर ये ऑटोमेटिक रेजिडेंट घर वाला क्राइटेरिया एप्लीकेबल नहीं होगा. ठीक है? अपना घर का मतलब रेंट का घर नहीं होता, अपना घर का मतलब होता अपना घर. ठीक है? तीसरा क्राइटेरिया यह है कि एक शख्स है वो फुल टाइम यूके में काम करता है. फुल टाइम अगर एक शख्स यूके में काम करता है तो डेज वगैरह देखने की भी जरूरत नहीं है, वो क्या कहलाएगा, वो ऑटोमेटिक रेजिडेंट बन जाएगा. अभी पीछे हमने डिस्कस किया कि अगर एक शख्स फुल टाइम ओवरसीज काम करता है, साथ हमने डेज का क्राइटेरिया भी लगाया, तो वो ऑटोमेटिक नॉन रेजिडेंट बन जाएगा. तो एग्जाम में अगर एक शख्स ओवरसीज है, फुल टाइम ओवरसीज, तो चांसेस क्या है, वो ऑटोमेटिक नॉन रेजिडेंट होगा. और अगर एक शख्स फुल टाइम यूके में काम कर रहा है तो आप आंखें बंद करके क्या कहेंगे कि ये ऑटोमेटिक रेजिडेंट पर्सन है. और अगर एक शख्स इस साल 183 डेज या उससे ज्यादा यूके में रहा तो आपको देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑटोमेटिक रेजिडेंट बन जाएगा. अब आपको ये बताया जा चुका है कि आपको एग्जाम में एक शीट प्रोवाइड की जाती है और उस शीट में जबरदस्त बात यह है कि ये पूरी शीट विच इज बेस्ड ऑन द रेजिडेंस रूल वो एग्जाम में आपको एज इट इज प्रोवाइड की जाएगी. तो आपका 90% काम तो इस शीट से हो जाएगा. तो इस शीट को अंडरस्टैंड करते हैं हम प्रॉपरली. अगर आप इस शीट को अंडरस्टैंड कर लें तो आपको ज्यादा रूल्स याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सो लेट मी जस्ट एक्सप्लेन
कि इस शीट में क्या है। इस शीट के अंदर आपको पहले दिया हुआ है नंबर ऑफ डेज, फिर दिया हुआ है कि वो शख्स प्रीवियस रेजिडेंट था पिछले साल, उससे पिछले साल या तीन साल के अंदर, और एक कॉलम दिया हुआ है कि वो नॉट प्रीवियसली रेजिडेंट था। तो अभी इसको तो छोड़ देते हैं नॉट प्रीवियसली रेजिडेंट को, और डेज और प्रीवियस रेजिडेंट की बेसिस के ऊपर चेक करते हैं कि एक शख्स जो है वो रेजिडेंट कब होता है और नॉन रेजिडेंट कब होता है। तो अब आप देखें, अगर एक शख्स लेस देन 16 डेज यूके में रहा तो वो ऑटोमेटिकली नॉन रेजिडेंट कंसिडर किया जाएगा, चाहे वो प्रीवियस रेजिडेंट हो या नॉट प्रीवियस रेजिडेंट हो, दोनों केसेस के अंदर वो ऑटोमेटिकली नॉन रेजिडेंट कंसिडर किया जाएगा। एंड सिमिलरली अगर एक शख्स 183 डेज और उससे ज्यादा स्पेंड करता है तो प्रीवियस रेजिडेंट हो तब भी और नॉन प्रीवियस रेजिडेंट हो तब भी वो ऑटोमेटिक रेजिडेंट कंसिडर किया जाएगा। सो पहले तो हम ये मिनिमम और मैक्सिमम के दरमियान अपनी चीजें क्लियर कर लेते हैं। लेस देन 16 और 183 डेज और मोर में नॉन रेजिडेंट और रेजिडेंट का क्राइटेरिया बनता है। अब आ जाते हैं 16 to 45 डेज। अगर एक शख्स 16 से लेकर 45 डेज तक रहता है यूके में इस साल, तो हम ये देखेंगे क्या वो प्रीवियस रेजिडेंट था। अगर वो प्रीवियस रेजिडेंट था तो इस साल उसे रेजिडेंट बनने के लिए 4 यूके टाई और उससे ज्यादा मीट करने पड़ेंगे कम से कम। व्हाट इज द मीनिंग? इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक शख्स 16 to 45 डेज स्पेंड करता है और प्रीवियसली रेजिडेंट भी होता है, तो जब तक वो 4 यूके टाई मीट नहीं करेगा वो रेजिडेंट कंसिडर नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर एक शख्स 16 to 45 डेज गुजार रहा है और प्रीवियस रेजिडेंट नहीं था तो वो क्या बन जाएगा? वो ऑटोमेटिक नॉन रेजिडेंस रेजिडेंट टेस्ट के अंदर आ जाएगा। यानी कि जो पहला पॉइंट था ऑटोमेटिकली नॉट रेजिडेंट, उसके अंदर हमने ये दो पॉइंट पे ऑलरेडी कवर किए हुए, ये उस क्राइटेरिया के अंदर आएगा। अच्छा, अब सिचुएशन ये है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ डेज बढ़ते जा रहे हैं उसके रेजिडेंस होने के चांसेस बढ़ते चले जाएंगे। सो 46 to 90 डेज अगर एक शख्स यूके में रहता है तो वो रेजिडेंट कब बनेगा? जब उसके पास 3 यूके टाई हो या उसके पास 4 यूके टाई हो। अभी टाइज के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, टाई होते क्या। अगर एक शख्स 91 से 120 दिन यूके में रहा तो उसको रेजिडेंट बनने के लिए 2 यूके टाई मीट करने पड़ेंगे या रेजिडेंट बनने के लिए उसे 3 यूके टाई मीट करने पड़ेंगे। और अगर एक शख्स 121 डेज से 182 डेज यूके में रहा तो उसे रेजिडेंट बनने के लिए या तो 1 टाई मीट करना पड़ेगा या रेजिडेंट बनने के लिए उसे 2 टाई मीट करने पड़ेंगे कम से कम। तो पहला टेस्ट, दूसरा टेस्ट के बाद जो तीसरा टेस्ट आता है वो नंबर ऑफ डेज और नंबर ऑफ यूके टाइज की बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा कि वो यूके रेजिडेंट बनेगा या वो यूके रेजिडेंट नहीं बनेगा। अब ये शीट जो है, ये शीट आपको क्योंकि एग्जाम में प्रोवाइड की जाती है तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है, इसको अप्लाई करना सीखना है कि इसको हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं। अब अभी थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था यूके टाइज की ना, तो यूके टाइज का मतलब है आपका कनेक्शन यूके के साथ कैसा है। टाइज का मतलब है कनेक्शन, एंड देयर आर 5 यूके टाइज जो कि आपको देखने पड़ते हैं, सही है। एक यूके टाई वो होता है जिसको हम कहते हैं फैमिली टाई, तो ये आपका फैमिली टाई की हम बात कर रहे हैं। अच्छा जी, कि एक फैमिली टाई आपका होता है फैमिली टाई, ठीक है। फैमिली टाई क्या होता है? फैमिली टाई ये होता है कि जो शख्स अपने आप को चेक कर रहा है उसका स्पाउस यानी कि हस्बैंड है तो वाइफ, सिविल पार्टनर और माइनर चाइल्ड कहाँ रहते हो? यूके में। सो मिस्टर एक्स के अगर स्पाउस, सिविल पार्टनर या माइनर चाइल्ड यूके में कोई रहता है तो हम कहेंगे एक टाई मीट हो गया, दैट इज कॉल्ड दी फैमिली टाई, ठीक है। अच्छा, अगर उसका घर यूके के अंदर है और उसने घर इस्तेमाल किया, वहाँ वो जाता है, तो हम कहेंगे एक और टाई यूज हो गया, उसको हम कहेंगे एकोमोडेशन टाई। दूसरा टाई मीट हो गया विच इज कॉल्ड एकोमोडेशन टाई। अच्छा, फिर एक टाई है जिसको कहा जाता है डेज टाई। अगर उसने यूके में 90 डेज गुजारे,
90 डेज से ज्यादा गुजारे, यानी कि 91 डेज एटलीस्ट पिछले दो टैक्स ईयर के अंदर, पिछले साल या उससे पिछले साल, उन दोनों में से किसी एक साल भी अगर उसने 91 डेज गुजार लिए तो उसका डे टाइम मुकम्मल हो जाएगा। ये पिछले सालों की बात हो रही है, करंट ईयर की बात नहीं हो रही। अच्छा, फिर मोर टाइम इन यूके देन इन एनी अदर कंट्री इन दैट टैक्स ईयर, ये कहलाता है वर्क टाई। इसको कहते हैं सब्सटेंटिव वर्क टाई, कि उसका सब्सटेंटिव वर्क जो है वो कहां पर है। अगर उसका सब्सटेंटिव वर्क यूके के अंदर है, सही है, ऑब्वियसली जब सब्सटेंटिव काम यूके में करेगा तो यूके में ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा। तो अगर देखा यह जाएगा कि उसने यूके के अंदर 120 दिन गुजारे हैं और बाकी किसी कंट्री में उसने 120 दिन नहीं गुजारे, कहीं 20 दिन गुजारे, कहीं 30 दिन गुजारे, कहीं 40 दिन गुजारे, कहीं 50 दिन गुजारे, तो हम कहेंगे सब्सटेंटिव वर्क या टाइम, सब्सटेंटिव वर्क या टाइम, उसने जिस कंट्री, सब्सटेंटिव वर्क उसने जिस जगह किया हुआ होगा। अच्छा एक चीज ना, ये दोनों मिक्स हो रहे हैं, यहां पर मैं बात कर रहा हूं टाइम की ना, ये मैं इसको रिलेट कर देता हूँ नेक्स्ट वाले से, ये मैंने मिक्स कर दिया। जब फोर्थ वन वाले की बात कर रहा हूँ तो ये मैं बात कर रहा हूँ टाइम की ना, और जब फिफ्थ वन वाले में बात करूंगा तो मैं वर्क की बात कर रहा हूँ। जब मैं वर्क की बात करूंगा तो ये कहलाएगा वर्क टाइम, और जब मैं टाइम की बात करूंगा तो ये टाइम वाला कहलाएगा कंट्री टाइम। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आसानी के लिए ताकि कन्फ्यूजन ना हो, फैमिली टाई, सही है जी, एकोमोडेशन टाई, उसका घर हो, डेज टाई, 91 डेज वाली कंडीशन, अच्छा जी, वर्क टाई, सब्सटेंटिव वर्क उसका कहां पर है, और पांचवा टाई जो होगा दैट इज कॉल्ड कंट्री टाई, कि उसने सबसे ज्यादा टाइम किस मुल्क के अंदर गुजारा। अगर उसने सबसे ज्यादा टाइम यूके में गुजारा तो एक टाई मीट हो जाएगा कंट्री टाई, अगर उसने सबसे ज्यादा काम यूके में किया, सब्सटेंटिव ज्यादा काम उसका यूके में, तो वर्क टाई भी मीट हो जाएगा। अब हम पिछली शीट पे दोबारा चलते हैं। आप देखें, प्रीवियस रेजिडेंट के लिए कम से कम चार टाई मीट करना जरूरी है, या तीन टाई मीट करना जरूरी है, या दो टाई मीट करना जरूरी है, या एक टाई मीट करना जरूरी है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डेज। जितने दिन कम होंगे टाई ज्यादा मीट करने होंगे यूके रेजिडेंट बनने के लिए, जितने दिन वो बढ़ाता जाएगा टाई की रिक्वायरमेंट कम होती चली जाएगी। तो हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं 4-3-2-1। लेकिन जब हम एक नॉट प्रीवियस रेजिडेंट को देखेंगे जो पिछले तीन सालों में रेजिडेंट नहीं था, तो अब हमें देखना पड़ेगा कि रेजिडेंट बनाने के लिए या तो चार टाई मीट होने चाहिए, या तीन टाई मीट होने चाहिए, या दो टाई, किसी का एक टाई मीट होगा तो वो रेजिडेंट नहीं बन सकता, अनलेस कि वो ऑटोमेटिक रेजिडेंट की कंडीशन के अंदर फॉल हो रहा हो तो वो रेजिडेंट बन सकता है। तो ये उस बेसिस के ऊपर हमारे तीनों टेस्ट हमने पास किए, हमने अपना टाई वाला टेस्ट भी पास किया। लेट सी एन एग्जाम्पल, लेट मी जस्ट गिव यू एन एग्जाम्पल। फर्नांडो वॉज नॉट प्रीवियसली रेजिडेंट इन यूके। अब आपने पिक किया कि ये कह रहा है कि ये प्रीवियस रेजिडेंट नहीं था, लेकिन उसने हॉलीडे होम बाय किया यूके में 1 मई 2019। याद रहे कि हमारा जो ईयर है वो स्टार्ट हो रहा है 6 अप्रैल 2019 एंड 5 अप्रैल 2020, जिसको हम कहते हैं FA-19 फाइनेंस एक्ट, हमारा ये एप्लीकेबल होता है। तो उसने होम कब लिया, 1 मई 2019 में, एंड लिव्ड इन फॉर 140 डेज। इसका मतलब है 16 दिन वाला क्राइटेरिया नहीं मीट हो रहा, 45 डेज वाला क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा, 90 डेज वाला क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा, 140 दिन ज्यादा हो गए। द रिमाइंडर ऑफ द ईयर ही लिव्ड इन इज होम इन स्पेन। इसका मतलब है एक हॉलिडे होम है यूके के अंदर और एक होम है स्पेन के अंदर, दो होम आ गए। अच्छा जी, तो डेज, अब हम डेज की बेसिस पे देखेंगे तो ये ऑटोमेटिक नॉन रेजिडेंट नहीं हो सकता क्योंकि डेज बढ़ गए, ये ऑटोमेटिक रेजिडेंट भी नहीं हो सकता क्योंकि 183 डेज मीट नहीं हुए और उसका एक घर नहीं है यूके के अंदर। सो अब हम क्या कहेंगे, फर्नांडो वॉज इन द यूके टू लॉन्ग टू बी ऑटोमेटिकली ट्रीटेड एज नॉट रेजिडेंट, बट नॉट लॉन्ग इनफ टू बी ट्रीटेड एज ऑटोमेटिकली रेजिडेंट, नॉर डिड ही हैज होम इन यूके ओनली।
यूजिंग द टेबल, अब हम टेबल देखेंगे। जब टेबल में जाके देखेंगे तो टेबल में जाने के लिए 140 डेज को चेक किया जाएगा कि 140 डेज के ऊपर कितने टाइस की जरूरत है नॉट रेजिडेंट वाले के लिए। तो नॉट रेजिडेंट वाले के लिए 140 डेज के ऊपर अगर हम टाई देखते हैं तो 121 to 182 डेज कितने टाई चाहिए, एक टाई रेजिडेंट वाले के लिए और दो टाई नॉन रेजिडेंट वाले के लिए। तो हम दोबारा सवाल पे चलते हैं। सो 140 डेज उसने मीट किए, सही है, और उसके पास सिर्फ एक टाई मीट हो रहा है कि उसके पास घर है, और हमें दो टाई मीट करने हैं क्योंकि दो टाई जब तक मीट नहीं होंगे वो रेजिडेंट नहीं बन सकता। सो ही वॉज नॉट प्रीवियसली यूके रेजिडेंट, इज देयर फॉर नॉट यूके रेजिडेंट इन 2019 and 2020। मैं एक मिनट के लिए पॉज कर रहा हूँ, जस्ट अ मिनट। हाँ जी, तो इस सवाल के अंदर हमने उसको नॉन रेजिडेंट इसलिए कहा क्योंकि वो प्रीवियसली यूके रेजिडेंट नहीं था, तो दो टाई एटलीस्ट टू टाई मस्ट बी सेटिस्फाइड, लेकिन उसका सिर्फ एक होम टाई मीट हो रहा था, तो होम टाई के मीट होने के ऊपर वो रेजिडेंट नहीं बन सकता, इसलिए हमने कहा कि वो एक नॉन रेजिडेंट पर्सन है। अच्छा जी, अब हम अगर थोड़ा सा देखें तो हमारे पास अब ये कहाँ से जाएगा, आई डोंट नो, चले मैनेज करते हैं। वन सेकेंड, लेट मी जस्ट, चले जी। तो अब हम ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर के क्या वैरायटी आ रही है। सो एल वॉज इन द यूके फॉर 80 डेज इन 2019 व्हेन ही लिव्ड इन द ओनली होम दैट ही ओन्स। अच्छा, उसका यूके के अंदर एक घर है, राइट, यूके के अंदर उसका एक घर है, लेकिन उसने सिर्फ 80 डेज गुजारे हैं, तो 80 डेज की बेसिस के ऊपर वो ऑटोमेटिक रेजिडेंट नंबर ऑफ डेज की बेसिस पर तो नहीं बन सकता, लेकिन जो ओनली होम का क्राइटेरिया है, सही है, उसकी बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि वो ऑटोमेटिक रेजिडेंट बन जाएगा क्योंकि उसके पास सिर्फ उसका अपना घर है। नॉन रेजिडेंट का क्राइटेरिया सेटिस्फाइड क्यों नहीं होगा, क्योंकि लेस देन 16, लेस देन 46, वो दोनों क्राइटेरिया यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रहे और वो ओवरसीज काम भी नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है ओनली होम की बेसिस के ऊपर जो क्राइटेरिया सेटिस्फाइड होगा दैट इज ऑटोमेटिक रेजिडेंट का क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो जाएगा। इसी तरह एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं, टॉपिक ऑलमोस्ट कंक्लूड हो गया, इसमें कुछ और जान नहीं है, एक दो नंबर का एमसीक्यू या दो नंबर का सवाल आ सकता है, तो टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा जी, जे हैज ऑलवेज बीन यूके रेजिडेंट, प्रीवियस रेजिडेंट है वो, स्पेंडिंग 10 मंथ्स ऑफ द ईयर इन यूके, बट ऑन 1st May 2019 ही परचेज एन अपार्टमेंट ओवरसीज वेर ही लिव्ड फॉर मोस्ट ऑफ द टैक्स ईयर, रिटर्निंग टू द यूके फॉर अ फर्दर 50 डेज इन 2019 and 20, व्हेन ही स्टेड एट द फैमिली होम विद हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। तो अगर उसकी वाइफ और चिल्ड्रन वहां पर है तो इसका मतलब है एक तो फैमिली टाई मीट हो रहा है, एक उसका होम टाई मीट हो रहा है, उसका घर वहां पर है, ठीक है। अब देखा यह जाएगा उसने कितने दिन गुजारे, सही है, तो उसने क्योंकि डेज गुजारे हैं 50, 50 डेज उसने कवर किए हैं, तो 50 डेज में पहले हम चेक करेंगे ऑटोमेटिक नॉन रेजिडेंट, अगर ऑटोमेटिक नॉन रेजिडेंट मीट नहीं हुआ तो फिर चेक करेंगे ऑटोमेटिक रेजिडेंट, और अगर ऑटोमेटिक रेजिडेंट भी मीट नहीं हुआ तो फिर हम चेक करेंगे कि उसका जो टाई की बेसिस के ऊपर क्राइटेरिया है वो देखेंगे, क्योंकि ये रेजिडेंट है तो 4, 3, 2, 1 इन चारों में से कोई टाई मीट करना पड़ेगा। तो उसके जो डेज हैं वो 46 से 90 डेज के दरमियान आ रहे हैं, और अगर आप टेबल को रेफर करेंगे तो उसको कितने टाई मीट करने की जरूरत है, उसको 3 टाई मीट करने की जरूरत है। अब लेट्स सी 3 टाई है नहीं, सही है। सो 3 टाई में अगर हम बात कर लेते हैं तो उसने प्रीवियसली 90 डेज से ज्यादा गुजारे हर साल, तो एक टाई मीट हो रहा है फैमिली का, दूसरा टाई मीट हो रहा है होम का, और तीसरा टाई मीट हो रहा है प्रीवियसली कितने डेज उसने यूके में गुजारे। सो लेट्स सी, Jensen has spent more than 15 days, so will not be automatically non-resident. He will also not be automatically resident as he has not spent 183 days, nor does have his only home in UK. क्योंकि अब उसके पास दो घर हैं, एक अपार्टमेंट ओवरसीज में है, एक उसके पास अपना घर है यूके के अंदर।
एज ही वॉज इन द यूके फॉर 46 and 90 days, ही विल रिमेन रेजिडेंट फॉर 1920 एज ही हैज 3 यूके टाइज टू सेटिस्फाइड. पहला टाई स्पाउस एंड चिल्ड्रन वाला, जिसको हम कहते हैं फैमिली टाई, अ हाउस जिसको हम कहते हैं होम टाई, और डेज का क्राइटेरिया जिसको हम कहते हैं डेज टाई. तो ये जो 5 टाई हमने डिस्कस किए हैं, जिसके अंदर फैमिली टाई, जिसके अंदर होम टाई, एकोमोडेशन टाई या होम टाई, डेज टाई, सब्सटेंटिव वर्क टाई एंड कंट्री टाई, ये 5 जो हमारे टाइज हैं, अगर हमें टाइज की बेसिस पे देखना पड़ेगा तो हमें सवाल में वो टाई देखने पड़ेंगे और वो टाई मीट हो जाएंगे तो हम इजीली कर सकते हैं. अब आपके पास जो रिवीजन किट आएगी, क्योंकि मुझे सुनने में आया कि रिवीजन किट आ गई है, तो उसके अंदर मैं आपको एमसीक्यूज मार्क कर दूंगा. आप इजीली ये क्राइटेरिया लेक्चर सुन के, इस स्लाइड्स को गो थ्रू करके इसको इजीली कर सकते हैं.